कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्या चीज का हॉस्पिटल है जो बगल में मतलब इलाज करने गया तो क्या चीज का यह हॉस्पिटल है जो इलाज नहीं हुआ डॉक्टर बंद करके चला गया तो सुरक्षित ऑक्सीजन लगाता और उसको पानी उनी चढ़ाता सब दवाई दर्द का देता तो बचता बच्चा कुछ नहीं होता बच्चा को ना किया यहाँ से डॉक्टर बंद करके चला गया यहाँ से डॉक्टर भाग गया ताला मार के भाग गया यहाँ से। सर मेरा बच्चा छत पर से गिरा था, बगल में 10 कदम हॉस्पिटल था सर, हॉस्पिटल लेके गए हम तो माना तो कोई डॉक्टर था ना तो कुछ था। और इसके लिए जवाबदेह कोई है तो बिहार की ये स्वास्थ्य मंत्रालय और यहाँ का मंत्री जिम्मेदार है, ये नीतीश कुमार से कि मेरे बच्चे का जान किसने लिया है। तो सर फिलहाल इस बच्चे कहेंगे तो कहेगा कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उसकी दादी जो छाती पीट कर रो रही है उसका बच्चा कौन लौटाएगा। जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सहस्र न्यूज। फिलहाल अभी हम समेली प्रखंड में अवस्थित है जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ बहुत दुखद समाचार है, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा दिखाइए इस छत को। इस छत से 21 महीने का बालक नीचे गिरकर अभी फिलहाल उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब वह गिरा था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी यहाँ, जैसा कि यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। और इस व्यवस्था में जितने भी डॉक्टर हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ का हॉस्पिटल है, लोगों का कहना है कि यहाँ के डॉक्टर का लापरवाही है जिसके चलते बच्चे की मृत्यु हो गई। फिलहाल चलिए उनके पिता जो बच्चे हैं उनके पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए कैसे सर। जैसे हमको पता लगा सर हम छत से गिरा है मेरा बच्चा, हम सर वहाँ से आए तब तक हॉस्पिटल लेके गया था सर, 10 कदम हॉस्पिटल था, बगल में ही हॉस्पिटल है सर। गए तो हॉस्पिटल के पास वहाँ कोई डॉक्टर कोई सुविधा भी नहीं उपलब्ध था, ऑक्सीजन भी नहीं था वहाँ जो कि बच्चा को लगाया जाए, ऑक्सीजन नहीं कर रहने के कारण फिर वहाँ से एम्बुलेंस का भी व्यवस्था लगाया तो एम्बुलेंस ना तो ड्राइवर था ना गाड़ी के पास और कोई था, पूरा डॉक्टर उक्टर जो है पूरा ताला वाला लगा के सर निकलने लगा, पेशी से निकलने लगा तो हम नहीं डॉक्टर नहीं रहने के कारण तो हम सर कुर्सेला ले गए बच्चे को, वहाँ बच्चे का मृत्यु हो गई। जी देख लीजिए नीतीश बाबू, ये आपकी बिहार है, बिहार में एम्बुलेंस तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है, PHC खुला हुआ है, हॉस्पिटल खुला हुआ है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ये आपका बढ़िया बिहार है, इसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बढ़िया बिहार कह सकते हैं, आपके सामने है। चलिए फिलहाल यहाँ राजद के विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं श्री नीरज यादव जी, वो भी घटनास्थल पर आए हुए हैं, चलिए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर इस दुख की वेला में आप यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ जो इनके गार्जियन उनका कहना है कि एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर नहीं है और डॉक्टर नहीं है, सर इस संदर्भ में ये सरकार लगातार बच्चों का जान लेने पर उतरी हुई है। जब से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बने हैं, चमकी बुखार में आपने देखा मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चे की जान चली गई, आज फिर समेली हॉस्पिटल के बगल में सरकार की लापरवाही से एम्बुलेंस के सौ समय उपलब्धता नहीं रहने के कारण इस बच्चे की जान गई है। और इसके लिए जवाबदेह कोई है तो बिहार की ये स्वास्थ्य मंत्रालय और यहाँ का मंत्री जिम्मेदार है। जी तो सर ये अक्सर जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे राज्य में हर तरह का सुख सुविधा मुहैया, ये तो यहाँ इनकी आंसू देख लीजिए ना, उस बच्चे की माँ क्या कह रही है रो रो के, उसकी दादी क्या कह रही है रो रो के, पूछ रही है नीतीश कुमार से कि मेरे बच्चे का जान किसने लिया है। तो सर फिलहाल इस बच्चे कहेंगे तो कहेगा कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उसकी दादी जो छाती पीट कर रो रही है उसका बच्चा कौन लौटाएगा, उसकी माँ के बच्चे को कौन लौटाएगा, मंगल पांडे लौटाएंगे नरेंद्र मोदी लौटाएंगे क्या। तो सर ये जो बच्चे की अभी मृत्यु हुई है इसमें प्रशासन पर घोर लापरवाही है यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारियों का, पूर्व के 2 चिकित्सा प्रभारी निगरानी के शिकार हुए हैं, जेल गए हैं, यह अराजकता का शिकार है समेली हॉस्पिटल, लूट मचा है यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा। तो सर प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से हम तो कह रहे हैं नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार की जननी में बैठा हुआ है ये पूरा सिस्टम, सभी लोग आपस में मिले हुए हैं, मिल बांट के खा रहे हैं, लाखों लाख रुपया एम्बुलेंस के नाम पर एक हॉस्पिटल पर उठाया जा रहा है, सबके सब मिले हुए हैं डॉक्टर से लेकर सिविल सर्जन तक। तो सर अभी फिलहाल इनको कुछ राहत, अब तो हम तो सरकार से कहेंगे कि इसका आंसू कौन पोछेगा, अगर सरकार नहीं पोछेगी तो हमारा नैतिक जवाबदेही, हम यहाँ के विधायक हैं, हम इनका आंसू पोछेंगे। जी
इनको हर जो जरूरत है हम मुहैया करेंगे, और इनके दुख में न सिर्फ हम खड़ा रहेंगे, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है। ये थे नीरज यादव जी, और इनका कहना है कि अगर शासन प्रशासन अगर इन परिवार का हेल्प नहीं करता है तो ये खुद करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, करते भी हैं, आप अक्सर वीडियो में देखते हैं कि ये हमेशा समाज में अच्छे काम करते हैं, और ये यहाँ आए हुए हैं इनके आंसुओं को पोंछने के लिए, इनके दर्द को बांटने के लिए। फिलहाल क्या मामला है भैया, कैसे क्या हुआ है? सर मेरा बच्चा छत पर से गिरा था, बगल में 10 कदम हॉस्पिटल था सर, हॉस्पिटल लेके गए हम, तो वहाँ ना तो कोई डॉक्टर था ना तो कुछ था, इंजेक्शन बोले लगाने के लिए वो भी नहीं लगाया, उसके बाद बोले ऑक्सीजन उसको लगाने के लिए, ऑक्सीजन भी बोला ऑक्सीजन भी नहीं है, तो हम फिर बोला बाहर रेफर करने के लिए, तो एम्बुलेंस का सुविधा हम लिए तो बोले एम्बुलेंस भी नहीं है, एम्बुलेंस रहते हुए बोला ले एम्बुलेंस नहीं है, फिर बोला 102 पे कॉल करने के लिए, 102 पे कॉल करते हैं या हम पेशेंट को लेके जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम शिवम कुमार पंडित है। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? खैराल से। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार पंडित। आपका क्या बेटा था? मेरा ही बेटा। कितना उम्र होता है? 21 साल का। कैसा व्यवस्था है हॉस्पिटल का, क्या कहेंगे हॉस्पिटल की व्यवस्था? पूरा लापरवाही चल रहा है सर, पूरा लापरवाही। डॉक्टर वगैरह उपस्थित रहते हैं? कोई नहीं था सर, 9:30 बजे के टाइम में सर डॉक्टर भी नहीं थे।